दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल सिमडेगा दर्शन में। तो दोस्तों, हम इस वक्त आ चुके हैं केला घाट के पर्यटक जगह पर और यहां पर देख सकते हैं कैसा खूबसूरत नज़ारा है। हेलो दोस्तों, इस वक्त है हम अभी सिमडेगा बस स्टैंड के सामने और यहां से हम अभी निकल जाएंगे केला घाट की ओर। आपको दिखाते हैं कैसा है केला घाट का नज़ारा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं केला घाट की ओर। पहुंच रहे हैं, ये है महावीर चौक। अब इस महावीर चौक के पड़ाव को अभी हम पार करेंगे और आगे की ओर आपको दिखाते चलते हैं सिमडेगा का नज़ारा, किस तरह सुहाना मौसम है अभी इस वक्त सिमडेगा में। और अभी हम जा रहे हैं केला घाट की ओर और ये देखिए दोस्तों, हर तरफ झंडा लगा हुआ है बजरंगबली का, रामनवमी की तैयारी है, सज धज कर सिमडेगा भी तैयार है। और बस ये देखिए केला, चलो ये देखिए केला घाट। और दोस्तों, हमेशा याद रखिए, ये सामने एक वाइट बिल्डिंग है, सामने में राउरकेला जाती है और इधर से हमें घूम जाना है। और ये हम घुस चुके हैं केला घाट रोड और यहाँ से चलते हैं केला घाट। और ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर में शिव जी का एक मंदिर है, आपको यहाँ से चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर की ओर में। बहुत ही खूबसूरत जगह है ऊपर भी, किसी दिन हम आपको ये मंदिर भी ऊपर चढ़कर दिखाएंगे। तो फाइनली दोस्तों, हम आ चुके हैं अभी केला घाट और ये देखिए सारे तरफ बैरिकेडिंग किया हुआ है और इस वक्त पानी भी शायद बंद है, झरना बंद किया हुआ है। और आइए आपको आगे की ओर दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और ये देखिए कुछ सब सेल्फी उल्फी ले रहे हैं। डाउन 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 ये देखिए दोस्तों, जबरदस्त नजारा। और दोस्तों, ये कहा भी जाता है यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर सुसाइड भी कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इस तरह का बैरिकेडिंग किया गया है ताकि कोई हादसा ना हो। और यहाँ कुछ दूर पर पुलिस प्रशासन भी देखिए दोस्तों, कुछ लोग फिशिंग करते हुए। दोस्तों, अब चलते हैं नीचे की ओर और आपको दिखाते हैं कैसा है नजारा। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, अभी यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है और इसीलिए ये बंद है। बरसात के टाइम में आप देखेंगे कि बहुत ही जबरदस्त नजारा रहता है और बहुत खूबसूरत यहाँ से झरना, पानी का बहाव भी अच्छा रहता है। और जरा मैं कैमरामैन को कहूंगा, जरा इधर का भी नज़ारा दिखाइए आप। दोस्तों, एक आपको बढ़िया नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये जो पानी है यहाँ बीच में बहुत ज्यादा गहराई है और ये पानी
नहर है ये, और ये पूरा बहुत दूर तक जाती है और यहाँ से खेती बाड़ी के लिए बहुत से गाँव में देहातों में ये पानी चले जाते हैं, वहाँ से यहाँ के लोकल किसान खेती उती करते हैं। बहुत गजब। ये देखिए, ये रेस्टोरेंट है जो बंद पड़ा है, छोटा नागपुर रेस्टोरेंट है। चल नहीं पाया क्योंकि टूरिस्ट नहीं आ पा रहे शाम में, और इसीलिए ये देखिए बहुत खूबसूरत बनाया गया था, इसलिए टूरिस्ट का आना जरूरी है, तभी तो ये चल पाएगा। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अभी ये नॉन स्टॉप पानी है दोस्तों, ये कभी बंद नहीं होता है, हमेशा चालू रहता है, और बहुत अच्छा देसी जुगाड़ लगाया हुआ है। ये देख सकते हैं, ये ऐसे लगाया हुआ है। वाह। ये देखिए दोस्तों, हम अभी इस वक्त थक गए हैं, नीचे की ओर आ चुके हैं, और मैं कैमरामैन से कहूँ जरा ऊपर भी दिखाइए दोस्त। और ये दोस्तों, ये पानी कुछ समय लोग क्या करते थे, यहाँ पैर डालकर ऐसे बैठे रहते थे, छोटी छोटी मछलियाँ आती थी पैर में खाती थी, पैर को काटते रहती थी, अब बहुत ही गुदगुदाहट टाइप का महसूस होता था और अच्छा लगता था। और ये देख सकते हैं दोस्तों, बरसात के टाइम में पूरा पानी ऊपर की ओर चढ़ जाता है, अब बहुत ही खूबसूरत है, और ये सब पूरा भरा हुआ रहता है और देखने में बहुत ही शानदार गजब टाइप का दिखता है दोस्तों।